देश भर में कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के पश्चात आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले मेरठ में किसान महापंचायत का आयोजन आम आदमी पार्टी द्वारा किया, जिसमें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगाज करते हुए कहीं ना कहीं सियासी दाव पेच भी दर्शा दिया है कि आने वाले समय में अगर 2022 में यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार मिलेगी तो किसानों के मुद्दों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जितने भी मुद्दे हैं उन सबको जिस प्रकार दिल्ली में लागू किया गया है यूपी में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि बिजली है, गैस है एवं अन्य मुद्दों को लेकर भी केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में कर रही है वो यूपी में करेगी। ऐसे में हम यहाँ पर विभिन्न कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे ही कहना पूछना चाहेंगे कि केजरीवाल के आगाज के पश्चात उन्हें क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या यूपी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। सर आपका नाम? मैं प्रमोद वर्मा। जैसे कि आज केजरीवाल जी ने आगाज किया है, कहीं ना कहीं है तो किसान महापंचायत, लेकिन विभिन्न मुद्दों को छुआते हैं, ऐसे में आपको क्या उम्मीद है? मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी ने वास्तव में जनता का दर्द उठाया है। अगर देखा जाए तो आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में सरकार का विरोध हो रहा है, सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है और सरकार है कि टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनके खुद के मंत्री ने उन्हें एनालिसिस करके दे दिया है कि आज यदि इन सब चीज़ों पर एनालिसिस गवर्नमेंट नहीं करती है, लोगों की बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा धड़ा गवर्नमेंट के हाथ से सरक जाएगा और यदि उसके साथ और जातियाँ और बिरादरियाँ और लोग भी जुड़ गए तो अब की बार उत्तर प्रदेश और न कि केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राजनीति की जननी जहां से दिल्ली का गलियारा राजनीति का एक निश्चित करता है वो निश्चित रूप से इतना तंग हो जाएगा कि सरकार को अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एमएसपी के मुद्दे को भी छुआ कि सरकार के केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी कभी ख़त्म नहीं होगी और यूपी में एमएसपी नहीं मिलती, ऐसे में हम पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है जो किसानों का है, उसके लिए आपका क्या? जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा है कि एमएसपी को भी लागू किया जाए, सरकार को कोई घाटा नहीं होगा, किसानों की फसल खरीदी जाएगी, उसी के बदले सरकार पैसा देगी, तो आप सर केजरीवाल द्वारा जो फॉर्मूला सुझाया गया उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसको ऐसे देखता हूँ, बिल्कुल सही कहा, अगर ये पूंजीपतियों अपने मित्र जो इनके हैं उनका 8 लाख करोड़ रुपया ये माफ़ कर सकते हैं तो एमएसपी जो अभी केजरीवाल जी ने फार्मूला बताया कि 14-15 साल में या तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम बराबरी पे होंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा तो 1 से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो अगर हम 8 लाख करोड़ रुपये पूंजीपतियों को माफ़ करते हैं तो क्या हमारे जो अन्नदाता है जो पिछले 90 दिनों से ज़्यादा हो गया, आज ठंडक में गर्मी में वो बैठे हुए हैं, क्या हम उनकी बात नहीं सुन सकते? केजरीवाल जी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज भारत को केजरीवाल की जरूरत है, आम आदमी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि अब जनता कहने लगी है कि राजनीति बहुत हो चुकी है, अब जननीति चाहिए, जो जनता के लिए नीति बना सकेगा वही राज करेगा और हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि जननीति बनाने वाली आम आदमी पार्टी आ गया है और माननीय मुख्यमंत्री आज जो दिल्ली के हैं केजरीवाल जी, इनको आने वाले समय में हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि किसान महापंचायत ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री और संजय सिंह को मुख्यमंत्री यूपी बनाने की मांग की गई है। हम युवा से पूछना चाहेंगे कि केंद्र में जब सरकार आई थी नरेंद्र मोदी की तो युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ऐसे में एक युवा क्या सोचते हैं? आपका नाम? सर मेरा नाम राहुल तिवारी है, मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो हम युवाओं ने बहुत संघर्ष किया था उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन देखिए एक नॉर्मल युवा को क्या चाहिए? रोजगार, ताकि वो आगे आने वाले अपनी पीढ़ियों का सही से भरण पोषण कर सके। लेकिन जो ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये सारे मुद्दे उठा रही है जो हम युवाओं के हैं, हर आम जनता के हैं, जो हर आम जन हैं उनके मुद्दे उठा रही है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से युवाओं एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं ये किसानों की महापंचायत आने वाले समय में यूपी में एक बड़ा बदलाव का भी संदेश दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन सुदन के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज़ मेरठ।